इधर 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 सर, यहाँ पर रखो ना, यहाँ यहाँ हाँ हाँ यहाँ 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 ईट रखो, हाँ मारो मारो बोलिया भाई। अरे दादा मोबाइल ले आ रहा है, अच्छा एक काम कीजिए ना बॉस, पोस्टर थोड़ा दिखना चाहिए, ऐसा कुछ कीजिए ना, मतलब थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो नहीं, आप उसको रहने दो, आप नीचे थोड़ा सा आके ऐसा फोटो लो, पोस्टर भी आ जाना चाहिए। सर वो मुहूर्त का नहीं दिख रहा है ना, पोस्टर मालूम ना, हाँ वो इसकी इसमें में जाओ तुम्हारे कैमरे में आ रहा है ना, हाँ हट जाओ अभी अभी ऐसा लगे नहीं, एक वन मिनट हाँ मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे तारीख भाई हीरन हीरन सर माफ भी है, हाँ तो जाएंगे ना, मिलो मुक्ति में से कौन है आप दोनों? रोल है रोल। सबसे पहले तो परिचय दीजिए अपना, बताइए कि क्या नाम है और किस तरह से जुड़े हैं इस फिल्म से और कितने उत्साहित हैं इस किरदार को लेकर जो आप निभा रहे हैं फिल्म में। जी बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ मितेश यादव और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मिस्टर सीमांचल नायक जी, जिनसे मुझे मेरी मुलाकात किसी के माध्यम से हुई और एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ इस फिल्म को लेकर, क्योंकि जब मैं इस फिल्म की स्टोरी लाइन सुना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे फिल्मी करियर में ये काइंड ऑफ यू नो एक अच्छा टर्न मिल सकता है, तो अच्छा लगा मुझे, अच्छा लगेगा इनफैक्ट आगे। तो जानना चाहूँगा किस तरह का फिल्म है, क्या विषय है, क्या रोमांटिक फिल्म है, एक्शन क्या है, फिल्म का जो विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है? ये फिल्म का सब्जेक्ट एक्चुअली म्यूजिकल लव स्टोरी है और मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ भी रहा था कि इस तरह की फिल्म मुझे करने को मिले और फाइनली मिल चुका है, तो ऑफ कोर्स मैं इसमें अपना 100% देना चाहूँगा। तो डेब्यू फिल्म है आपकी? जी नहीं, इससे पहले मैंने फिल्म करी है टुडे इज़ लास्ट नाइट,
जिसमें मैंने इसके अलावा ब्यूटी विद ब्रेन, इसके अलावा एक कैमियो किया था मिस टीचर पार्ट वन पार्ट टू दोनों में, और ये मेरी आई गेस छठी फिल्म है, बट इससे पहले दो फिल्में अभी पोस्ट प्रोडक्शन चल रही है। आपसे जानना चाहूँगा, कितने फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम शबीना खान है, और जैसे कि इन्होंने कहा कि इसकी डायरेक्टर सीमांचल नायक जी हैं। फिल्म से मैं कैसे जुड़ी, मिस्टर आज़म जी ने मुझे जुड़वाया है इस फिल्म से, और सेकंड के मेरा फिल्म में लीड हीरोइन का किरदार है, और जैसे कि मितेश जी ने बोला कि एक म्यूज़िक लव स्टोरी है, तो मैं अपने किरदार को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक बहुत सॉफ्ट किरदार मेरा है और बहुत अच्छा, तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस फिल्म का पार्ट बनी हूँ। तो शबीना जी, ये बताइए कि ये जो फिल्म है इसमें जो किरदार आप निभा रही हैं, वो जो किरदार आप निभा रही हैं और जो रियल लाइफ में है, कितना ज़्यादा सिमिलरिटी है? देखिए, मैं बहुत चुलबुली लड़की हूँ और वैसे सॉफ्ट नेचर मेरा है, बट जिस तरीके से ये लव है, तो हाँ मैं प्यार करती हूँ, बट डिपेंड ऑन कि हाँ भाई वो सामने कौन है, जानवर है, इंसान है, या मम्मी पापा हैं, वट एवर जो भी है, तो मगर जो एक किरदार है बहुत नॉर्मल लड़की है, चुलबुली नहीं है, बहुत सॉफ्ट नेचर की है, तो वैसी तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चुलबुली किस्म की लड़की हूँ। दो फिल्में हैं, एक ये और दूसरी मुक्ति। तो मुक्ति का बताइए कि मुक्ति में क्या है? मुक्ति ये हॉरर, ये भी इसके डायरेक्टर सीमांचल जी हैं, और ये एक हॉरर बेस है, तो इसके लिए मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे अभी ज़्यादा ब्रीफिंग भी नहीं मिली है, बट मुझे इतना पता है कि इसमें मैं विनोद जी के साथ एज ए लीड कर रही हूँ, तो इससे ज़्यादा तो मैं कुछ भी नहीं बता सकती उस फिल्म के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ विनोद कुमार, एंड मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है मुक्ति में डेब्यू करने का एज ए हीरो, और मैम आई एम वेरी एक्साइटेड to being a part of this movie. So Shabina ji, yeah, really. इनकी तारीफ मैं कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा हैंडसम, बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादा माहिर हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि गाते बहुत अच्छा हैं, और हमारे मितेश जी भी बहुत अच्छे हैं, सॉफ्ट नेचर के हैं, ऐसा नहीं है तुम भी हैंडसम हो। पहले मेरा कौन है नंबर वन एक पंजाबी में बड़ा सुपरहिट सॉन्ग गया है, और एक फिल्म भी उसमें हम कर रहे हैं, बिंदु जी के साथ आया था, बिंदु धारा जी, और अभी हिमाचल सर ने हमें दिया है ब्रेक इसमें, तो वी आर वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड टू बी ए पार्ट ऑफ दिस मूवी, एंड अरे विजुअल दो ना, लेयर में थोड़ा सब्र रखो जिंदगी में यार, इतना हाँ जो भी हैं बुला लीजिए। सर पर्चरी, ये बताइए कैसे जुड़े इस फिल्म से और क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? मैं कलीम शेख, इसका स्क्रीन प्ले डायलॉग मैंने किया हूँ। अच्छा, ठीक है भाई, थोड़ा और साथ में मैं एसोसिएट भी हूँ, साथ में डायरेक्शन में भी। तो कलीम से जानना चाहूँगा कि जो डायलॉग है स्क्रीन प्ले होगा, किस तरह का फिल्म है और किस तरह का डायलॉग इसमें डिलीवरी को किया जाएगा? क्या ये म्यूजिकली लव स्टोरी है? ठीक, बोलते तो सब लोग अलग अलग, हम लोग सबसे डिफरेंस है, लेकिन इसमें क्या है, एक लड़का और तीन लड़कियों की कहानी है कि एक लड़का गांव से शहर कैसे आता है और शहर में फिर कैसे कैसे लोगों से उसका क्या क्या होता है और कितना स्ट्रगल करके कहां पहुंचता है। सर आपसे आपका नाम बताइए। सर मेरा मोहम्मद सरवर आलम, एज ए फायर मास्टर, और मेरे साथ काजी भाई, दोनों कम्बाइन हम लोग करते हैं और इस फिल्म का हम एक्शन कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि हमारी फिल्म इतनी अच्छी बने और अच्छे से जाए और आपके फ्लोर पर जल्दी चली जाए और अच्छा से बन गया। काजी भाई आपसे चाहूँगा कि एक्शन बहुत मायने रखता है फिल्म में, तो आज के ज़माने में जो एक्शन होते हैं फिल्मों में, कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है और कितना ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है? बहुत ज़्यादा, हम हॉलीवुड को टक्कर दे सकते हैं। आ रही है हम लोग की काफ़ी पिक्चरें आ रही है, कलीम भाई के साथ भी चार पाँच पिक्चरें की है, इन्होंने मौका दिया
और बहुत महत्वपूर्ण है। एक्शन भी लोगों को पसंद आता है, अच्छा लगता है लोगों को देखने, रोमांस के साथ में एक्शन होना चाहिए। और ये भी कहना, स्टंट्स जो करते हैं, जो डुप्लीकेट प्ले करते हैं, उनका लाइफ बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही स्ट्रगल होता है। जैसे अक्षय काफी काम कर रहे हैं इस दिशा में, क्या कहना चाहेंगे, कितना लाइफ चेंज हुआ है, कुछ बेहतर हुआ है लाइफ? काफी बेहतर हुआ और चेंज भी हुआ है। और काफी एक्टर तो अपना स्टंट खुद करते हैं, वरना हमारे फाइटर होते हैं जो वो करते हैं, उनका ड्यूब करते हैं, अच्छे से करते हैं। सर, आपसे हम जो डायलॉग की बात कर रहे हैं, डायलॉग भी आजकल उस तरह के डायलॉग नहीं होते जो पहले जमाने में होते थे, जो यादगार रह जाते थे, तो क्या कहना चाहेंगे कि कितना बदलाव जरूरी है डायलॉग डिलीवरी के मामले में? नहीं, डायलॉग तो चाहिए, अच्छे डायलॉग रहेंगे तो ही मजा आता है, तो बेशक इसमें कोई बात नहीं। फिल्म में स्क्रीन प्ले डायलॉग, लोग डायलॉग सुन के तो मजे लेते हैं, मजा भी आता है। कभी कभी किसी फिल्म में आप देखते हैं डबल मीनिंग डायलॉग्स पे, तो उसके लेकर क्या कहना चाहेंगे कि कितना ज्यादा? देखो, डबल मीनिंग की उसकी ऑडियंस भी अलग है, ठीक, हर लोग तो उसको चीज को पसंद नहीं करते, लेकिन कुछ है तो लोग आजकल जो बिजनेस के हिसाब से करते हो तो ये चाहते हैं कि जो चीज चले वही बनाएगी ना, ऑडियंस को क्या चाहिए वही देना तो जरूरी है। इस प्रोजेक्ट के अलावा और कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं? मैं एक्चुअली क्या है, मैं इंडिपेंडेंट, मेरा फिल्म है ग्रीन सिग्नल, मेरा टाइटल है, हाँ, तो उसके लिए मैं जल्दी उसके जा रहा हूँ उसके लिए, तो फिर आप लोगों को बुलाऊंगा, फिर तभी आप मेरा अच्छे से इंटरव्यू जवाब देना। नहीं, इसमें मीडिया का हाथ तो देखो, आप लोग तो चाहिए ना, मीडिया के बगैर तो फिल्म भी नहीं है, तो मीडिया का बड़ा हाथ है, उनका हम लोग शुक्रगुजार है, वो लोग सबको एक्सपोज करते हैं, अच्छे से सबके बारे में बताते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल बेस्ट सर। तो क्या करना, किस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं? और दोनों ही प्रोजेक्ट से जुड़ा हूँ, दोनों ही कर रहा हूँ, और नहीं करूंगा तो इनको मैं सू कर दूंगा, मतलब कोर्ट में ले जाऊंगा। तो किरदार के बारे में सर बताइए कि किस तरह का किरदार है? किरदार मैंने आज तक एक ही काम किया है, विलन का काम। तो सर, विलन काफी अच्छा अभिनय, जब भी मैं देखता हूँ पर्दे पे, काफी अभिनय में आपके वो स्ट्रॉन्ग मतलब कैरेक्टर प्ले करते, क्या कहना चाहेंगे कि असली जिंदगी में अच्छे इंसान हो के बुरा इंसान प्ले करना है, कितना रस चैलेंज है? वैसे ही जो हूँ वही पर्दे पे हूँ। अच्छा, रियल लाइफ में सर आप नहीं हूँ? नहीं, अच्छा, बन गया हूँ, लोगों ने कर दिया, बना दिया, क्योंकि आज के डेट में ऐसे ही लोग पसंद आते, लोगों को सीधे लोग नहीं पसंद आते, सीधे को अगर जो गंदे लफ्जों में बोले तो चू बोला जाता है। हाँ जी, बोलिए बुलाओ यार, बना सुन आइए सर, अगर होना सर पर्ची नहीं पता कैसे जुड़े हैं इस प्रोजेक्ट से, और क्या कहना चाहेंगे प्रोजेक्ट जी? ये तो इट्स माई फर्स्ट बॉलीवुड मूवी, आई एम ट्राइंग टू डू बेटर, बट इसमें सब हमारे हिरन साहब और गोयल साहब और बाकी तारिक भाई और हमारे सुमित पोल जी हैं, और हमारे संजय गांधी जी हैं, और अली भाई जी भी हैं, बाकी मितेश हीरो है जो एक फिल्म कर चुकी है, और हीरोइन सबीना खान है जो वो पहले से एक मूवी कर चुकी है, सीरियल चार कर चुकी है। बस ये एक रोमांटिक म्यूजिकल लव स्टोरी है, और एक दूसरा है जो मुक्ति, उतरा हॉरर लव स्टोरी है, और मेरे एक यूनिट को टोटल दो फिल्म में मैं काम करा रहा हूँ। आशा है कि रिजल्ट अच्छे मिले, बस आप लोगों की दुआ। आपसे तो मैं राजेंद्र महापात्र उड़ीसा से, तो फर्स्ट टाइम बॉलीवुड में प्रोजेक्ट किया है, तो फर्स्ट टाइम हमारे में जो तेरी मोहब्बत मेरे नाम है मुक्ति हो रहा है, तो देखे आगे क्या होता है। तो हमारा डायरेक्टर साहब सीमांचल वो तो सब कुछ कर रहा है, देखिए आगे क्या होता है। सर, जानना चाहूँगा कि काफ़ी फिल्मों में नेगेटिव रोल प्ले करते हैं, लेकिन आजकल देखते हैं कि नेगेटिव रोल प्ले करने का जो मेजर साउथ फिल्मों में तो काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है, लेकिन हिंदी फिल्मों में उस तरह से वो इंपॉर्टेंस नहीं आता है जो पहले दिया जाता था नेगेटिव रोल प्ले करने। सारे के सारे काम हीरो कर लेते हैं, हमारे लिए क्या बचा है? तो ये बात कितनी ज़्यादा दुखदायी है। नहीं, हमारे लिए तो ये है ना, हमारे आजकल इन्हीं के सहारे हम ऐसे रोल करते हैं जो हम चाहते हैं, जिस तरह के हमको रोल करने होते हैं, जो हमारी एक ख्वाहिश होती है कि भाई इस तरह से कुछ करेंगे, उस तरह से कुछ करेंगे, तो ऐसे हमारे डायरेक्टर, ऐसे हमारे प्रोड्यूसर जो मतलब थोड़ा सा रिस्क लेकर के फिल्म बनाते हैं, थोड़ा सा हिम्मत करते हैं फिल्म बनाने की, एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं, ये लोग अच्छी फिल्म बना रहे हैं, एक बहुत बढ़िया सी इनकी कहानी है, तो ऐसे में हमको मौका मिल जाता है। फ्यूचर प्रोजेक्ट में एक है गॉन केश करके फिल्म है, वो भी छोटे बजट की फिल्म है, लेकिन वो मतलब थोड़ा सा आर्टी टाइप की फिल्म है, मतलब नॉट आर्टी मतलब वो नहीं, बट एक सेंसिबल, और ज़्यादा सेंसिबल उसमें एक कहानी बालों के ऊपर एक सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, और बहुत ही फीलिंग वाला सब्जेक्ट है, तो वो एक फिल्म है, और उसके जो डायरेक्टर हैं वो यश जी के साथ में काम करते थे, यशराज प्रोडक्शंस में, तो ही इज़ डायरेक्टर। उसका कारण भी है,
मैं अपने को बड़े संयम से रखता हूँ अपने आप को, तो इसलिए ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे रमेश जी, इतने सालों से फिल्म इंडस्ट्री में इतनी फिल्मों में काम किया, कभी वो जो पैशन है वो कैसे जिंदा है आपके एक्टिंग को लेके? क्योंकि हमारी लाइफ में एक्टिंग का ही महत्व है, हम बने केवल एक्टिंग करने के लिए हैं और कोई काम जानते ही नहीं है। ये हमारी मजबूरी भी है और हमारा शौक भी है, और दूसरा काम जानते तो शायद कुछ और सोचते, लेकिन कोई काम नहीं जानते सिवाय एक्टिंग, इसलिए एक्टर ही है और एक्टिंग काम करना है हमको। और विलन के तौर पे कोई लड़की के छेड़छाड़ का सीन होता तो क्या आपको बहुत अच्छा लगता है? हाँ, क्योंकि बहुत सालों तक हमने विलन के ही काम किया, लेकिन अभी इन फिल्मों में दोनों में मैं फादर का रोल कर रहा हूँ। हाँ, हीरोइन का फादर और दूसरे में हीरो का फादर, दोनों में फादर का रोल कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और मुझे ये रोल करने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं अपनी इमेज जो है अभी एज फादर ही बनाना चाहता हूँ। बाकी कई साल से तो मैं काम कर रहा हूँ, तरह तरह के करेक्टर कर रहा हूँ, पुलिस के, विलन के, यानी क्या क्या करेक्टर किए हैं, 43 साल में कितने करेक्टर हो सकते हैं, इतने करेक्टर किए, लेकिन अभी मैं एज फादर इसमें कर रहा हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मेरी शुभकामनाएं इस पूरी दोनों फिल्मों के यूनिट के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, डायरेक्टर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, कि ये फिल्म बने, रिलीज हो और सुपर हिट हो और इसमें सबको फ़ायदा हो। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से माहौल बना है ये फिल्म जो है बनेगी, रिलीज होगी और सुपर हिट होगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। क्या कह रहे हैं, कैसे जुड़े हैं इस प्रोजेक्ट से? देखिए, एक हमारे दोस्त हैं, अली भाई हैं, और मैं फिल्म कर रहा था होटल कोहिनूर, तो उसमें मुझे देखा उन्होंने, फिर एक नायक जी अपने हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई आप मेरी मूवी कर रहे हैं, इसमें कॉप का रोल है आपका, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक नया मौका मुझे मिला है। इससे पहले मैं मूवी कर चुका हूँ, यंगिस्तान मूवी वाशु जी की, और अपना ये उंगली मूवी थी धर्मा प्रोडक्शन की, और काफ़ी सीरियल्स की हैं। ज़्यादातर मैं क्राइम पेट्रोल करता हूँ एज अ कॉप, और सावधान इंडिया में भी कॉप बनता हूँ ज़्यादातर, मोस्टली। शिवनी, आपसे ये फिल्म जो है इससे पहले कौन से प्रोजेक्ट में काम किया और क्या कहना चाहेंगे कि? मैंने वैसे काफ़ी सारे सीरियल्स किए हैं और काफ़ी प्रिंट एड, काफ़ी मैगजीन्स के लिए, न्यूज़ पेपर्स के लिए, और अगर मेरा बैकग्राउंड पूछो तो मैं खुद भी मीडिया में ही थी, तो वहाँ से मैं जंप करके इस लाइन में आई। और मैंने एक फिल्म की, हिंदी मूवी है, वो भी टेलीकास्ट नहीं हुई क्योंकि उसकी शूटिंग्स कुछ बाकी हैं, और उसके अलावा काफ़ी एड्स किए, टाटा स्काई एड्स किए, रैंस एड्स किए, तो मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी एड्स वगैरह किए। और रमेश जी का क्या कहना, वेटरन एक्टर्स प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितना सीखने को मिलेगा? रमेश जी से तो मैं, मतलब जब मैं यहाँ बॉम्बे नई नई आई थी तभी से मुखातिब हूँ, और उनको क्या बोलूँ, उन्होंने इलेक्शन भी ज्वाइन कर लिया, उन्होंने कोई युवा संघ कुछ ज्वाइन किया है, तो वो सब पार्ट ऑफ लाइफ है, तो वो साइड बाय साइड करते रहते हैं। तो मुझे रमेश जी के साथ काम मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अच्छा है कि इस फिल्म में मुझे एक और ज़्यादा अच्छा किरदार के साथ साथ अच्छे लोगों के साथ काम करने को मिला। किसी ने डिज़ाइन किया कि खुद की मर्जी से आपने? ये मेरी सिस्टर ने डिज़ाइन किया है, एक्चुअली शी इज़ ए फैशन डिज़ाइनर, तो मेरी मदर भी, तो मेरी मदर और मेरी सिस्टर दोनों ने मिलकर। अभी तो फिलहाल सीमांचल सर के साथ ही मैं काम कर रही हूँ अभी, बाकी का तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकती क्योंकि कुछ ना कुछ लाइनअप है, तो जैसे भी आगे होगा इंशाल्लाह जरूर बताया जाएगा। फिल्म बिजी होने वाली है। मैं इसी फिल्म से ही बिजी हो गई हूँ। थैंक यू। Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, aapki film The Great Leader aa rahi hai, is par kuch roshni daliye. रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है, और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर। एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में, कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है। हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं। तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं,
जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं। लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं। इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी। दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं, और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस।